अगर आप भी फेसबुक के ऊपर परफॉर्मेंस बोनस से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो भैया हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस बोनस कभी भी बंद हो सकता है, वो भी आपकी कुछ गलतियों के कारण की वजह से। अगर आपने वो गलतियाँ की सो डेफिनेटली 101% आपका बोनस जो $1500 है वो $1500 बंद हो जाएगा, आपको फिर कभी आगे पीछे कोई भी बोनस नहीं मिलने वाला है, चाहे आपका करंट चल रहा हो, चाहे प्रीवियस आपने जो कमाए हों, चाहे आपका जो आने वाला हो एनएक्स बजट, सब स्टॉप हो जाएगा। सो देखो समझो बात को, अगर ये गलती क्या हो रही है, जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई इंस्टेंट बूस्ट चाहते हैं, तुरंत का तुरंत रिजल्ट आए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो भैया फेसबुक के ऊपर क्या है कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट में काम करते हो आपको पता है कि भाई उस चीज़ को गेन करने में टाइम लगता है और वो कंटेंट चलने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि अभी आपने डाला कल आपका वायरल हो गया, परसों वायरल हो, ऐसा बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि भाई वायरल और होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, वो लग भाई चांस है, भाई किसकी किस्मत कहाँ कैसे चमक जाए वो कुछ पता नहीं है, बट हाँ ये कि वायरल हो जाता है। बट ओवरऑल एक ही चीज़ है कि भाई अगर आपका ऑर्गेनिक कंटेंट है, बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल कंटेंट है, तो टाइम लगेगा, ये बात आप ध्यान रखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब लोग गलती क्या करते हैं, आपको पहले पूरा एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को फॉलो करें और ये बात ध्यान रखें कि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जैसा कि यहाँ पर इन भाई ने किया। जैसा आप यहाँ पर देखोगे तो इनके पेज पे ऑलमोस्ट रीच वगैरह बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। देखो अभी 16 मिलियन का रीच बचा, इनका सब खत्म हो गया, सब -47, लगभग 50% रीच इनका खत्म हो चुका। अब थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आप नीचे आने के बाद यहाँ पे देखोगे हमारे पास में जो देखो प्रोफाइल रिकमेंडेशन की बात करो तो यहाँ पे देखोगे प्रोफाइल का रिकमेंडेशन भी यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, सब यहाँ पे बंद हो चुका है, मतलब ये सब रिस्ट्रिक्टेड आ चुका है सब कुछ ये। अब देखो इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे, तो मोनेटाइजेशन टैब पे आप आओगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे इनके कुछ रेवेन्यूज भी जनरेट हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं हुई भैया, थोड़ा बहुत जो कुछ भी हुआ है हुआ भी कमाई है। दिसंबर मंथ की अर्निंग है $1.992, ऑलमोस्ट $200 आप मान लो। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक बोनस का सेक्शन है और जैसे ही आप यहाँ पे बोनस के सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमारे पास में यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस है और जैसे ही परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे इन प्रोग्रेस पे चल रहा है तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे लिखा आ रहा है कि भाई यू कांट अर्न अर्निंग बिकॉज यू कैन ओनली अर्न बोनसेस इफ़ यू मीट द आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, गो टू पॉलिसी इशू टू लर्न। मतलब क्यों आया भैया यहाँ पे बोल रहा है कि जो परफॉर्मेंस बोनस है वो सब खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, वैसे कमा नहीं सकते क्योंकि आप हमारी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं, और जो कि गो टू पॉलिसी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और यहाँ पर डॉलर का सिंबल आ गया रेड। ऐसे बहुत सारे लोगों का होगा रेड आ चुका होगा, मे बी 101% रेड आ चुका होगा। सो ओवरऑल एक ही चीज़ देखिए, 28 दिन के पास बचा हुआ है, 16 जैन को रिन्यू हुआ, 16 फेब तक लास्ट डेट है, बट उस बीच में ही इनका ये काम हो गया। अब ये हुआ क्यों ये भी समझो भाई। देखो एक ही चीज़ है, अगर मैं फिर से वही बोलूँगा कि अगर आप और जेन्युइन कंटेंट डाल रहे हैं, अपना खुद का कंटेंट डाल रहे हैं, तो कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन अच्छा एक बात बताऊँ, इस जेन्युइन में बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं और कुछ कंटेंट को चलाने के लिए इंस्टेंट उसको उस पर कंटेंट कुछ भी डालने लग जाते हैं जिसकी वजह से उनका वो भी सब खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे गो टू पॉलिसी से पे क्लिक करोगे तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर, ध्यान से देखो हुआ क्या इनके साथ, आप समझो देखो। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो इनके साथ हुआ क्या, यहाँ पे नोटिस करोगे कि पॉलिसी इशू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे लिखा आ गया कि रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, पहला पॉइंट। अच्छा इसमें भी लोग गलती क्या करते हैं, तुरंत ही फटाक से इसे तुरंत इसे रिक्वेस्ट रिव्यू पे दबा देते हैं। नहीं दबाना भैया, ये आपने गलती की है, पहले गलती को सुधार लो, गलती को सुधारने के बाद फिर रिक्वेस्ट रिव्यू डालो। आपको एग्जांपल देता हूँ, जब पहले के टाइम पे जब पढ़ते लिखते थे ना आप, तो उसमें क्या होता था, मान लो आप किसी विषय में आपका बैक आ गया, मान लो आप उसमें कंपार्टमेंट आ गई आपकी, तो क्या होता था उस केस में भैया यही होता था ना कि उस दौरान जैसे मान लो आपकी कंपार्टमेंट आ गई उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस पेपर के अंदर, तो अगर आप तुरंत यहीं से बस पेपर देने चले गए तो नहीं पास होगे ना। तो पास होने के लिए क्या करना पड़ता था, बिल्कुल आप मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, दोबारा पेपर दोगे तो डेफिनेटली वो निकल जाएगा आपका, अदरवाइज फिर रह जाएगा वो, फिर पास नहीं हो पाओगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे तब डालना है जब आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस पर सब चीज़ वर्क कर लो, ऐसा नहीं कि बस तुरंत फटाक से मार दो ना। सो गाइस इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास में भी ऐसी कोई गलती करते हैं जल्दी चलाने के केस में, अगर आप भी कोई भी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट कि देखें, आप देखें यहाँ पे इन्होंने गलत कंटेंट डाला, जल्दी चल जाए, जल्दी सब कुछ हो जाए। बट ओवरऑल देखोगे यहाँ पे परफॉर्मेंस बंद, इनका इनस्ट्रीम एड्स बंद, इनका ओवरले एड्स बंद, स्टार बंद, सब बंद। तो अब
जितना भी डुप्लीकेट कंटेंट डाला भैया सब हटाना पड़ेगा, फिर जाके कहीं ना धीरे धीरे चालू होगा, बाकी 7 डेज के अंदर फिर से दोबारा कुछ चीज़ें चालू हो जाएंगे, बट टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखिए। सो गाइस ये था एक अपडेट आप सबके लिए, बाकी फिलहाल इतना ही, मिलता हूं एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कंटेंट के साथ, टेक केयर।